माय चैनल, मैं हूं शोहुमाली और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा हैक जो कि आप सबका शायद इंतजार था। तो ऑब्वियसली आप ऐसे वीडियो शायद बहुत सारे देखे होंगे, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मुझे लगा कि ये इस हैक्स के लिए बिल्कुल सही है वो वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एंटी एजिंग हैक्स के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको 8 एंटी एजिंग हैक्स बताऊंगी जिसे अगर आप एक्चुअली फॉलो कर सकते हैं, जैसे अगर थोड़ा सा भी आप फॉलो कर सकते हैं ना तो इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपका जो ओरिजिनल एज है उससे 5 to 7 इयर्स कम तो आप दिखेंगे ही दिखेंगे, मतलब आपका एज बढ़ेगा पर आपका स्किन का एज बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं ये 8 हैक्स है क्या। So guys, मेरा जो पहला पॉइंट है वो है विटामिन सी। तो विटामिन सी इतना अच्छा होता है स्किन के लिए, इतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है स्किन के लिए कि मैं आपको क्या बोलूं। एवरीडे विटामिन सी है ऐसा कोई फ्रूट्स, यानी कि खट्टा टाइप्स कोई फ्रूट्स एवरीडे एक लीजिए। तो अगर आप विटामिन सी प्रॉपरली अपने बॉडी को देंगे ना तो आपका जो स्किन है ये बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा और टाइटन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली रिंकल्स फाइनेंस आपके स्किन पे नहीं आएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एवरीडे अगर कोई फ्रूट्स आप नहीं ले सकते, एवरीडे एक लेमन तो आप ले ही सकते हैं, जैसे कि लेमन वाटर, लेमोलेट, या तो सुबह सुबह जो हम लेमन लूकवार्म वाटर में जो लेमन और हनी डाल के पीते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये अगर आप रेगुलरली कर सकते हैं तो आपका फैट बर्निंग में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा और एट द सेम टाइम आपकी स्किन को भी एंटी एजिंग रखने के लिए हेल्प करेगा। एवरी डे अगर आप कोई शीट मास्क यूज कर सकते हैं तो वो एंटी एजिंग के लिए जस्ट अमेजिंग होता है, क्योंकि शीट मास्क में आपने शायद देखा होगा कि लॉट्स ऑफ सिरम रहता है और ये जो सारे सिरम है आपकी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं। जब स्किन हाइड्रेट रहता है, स्किन के जो कोलेजन है उसको इम्प्रूव करते हैं। ये स्किन हाइड्रेट रखना मतलब स्किन टिश्यूज को प्रॉपर फूड मिल रहा है। स्किन के टिश्यूज जब हेल्दी रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्किन है वो बहुत ग्लो करने लगेगा, ब्राइटनेस आ जाएगा स्किन पे, पिंपल फ्री होगा। तो इस तरह से आप शीट मास्क जरूर यूज करना एवरीडे। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स के, क्योंकि गुड वाइब्स के जो ये शीट मास्क है इसके ऊपर चल रहा है prple.com पे 50% ऑफ, यानी कि 35 से लेके 50% ऑफ में ये आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो एक कोड है उस कोड को यूज करके अगर आप prple.com से ये सारे शीट मास्क लेते हैं गुड वाइब्स के तो आपको मिल जाएगा 50% ऑफ। तो इसलिए मैं ये यूज करूँ क्योंकि मेरे पास ये बहुत सारे हैं और कोई भी शीट मास्क आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको गुड वाइब्स से यूज करना पड़ेगा, जबकि मैं यूज कर रही हूँ तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। एक्सरसाइज इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ स्किन टाइटनिंग। एक्चुअली आप अगर योगा करेंगे, अगर आप मतलब कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, पर पर्सनली मैं प्रेफर करती हूँ योगा प्राणायाम। अगर ये आप डेली कर सकते हैं मॉर्निंग में, वैसे तो कभी भी आप कर सकते हैं पर मॉर्निंग का जो योगा होता है वो बहुत ज्यादा काम आते हैं। जैसे कि हम बचपन में सीखे सुबह सुबह उठने के बाद जो हम पढ़ाई करते हैं वो ज्यादा टाइम तक हमें याद रहता है, बिल्कुल ऐसा अगर सुबह सुबह आप योगा या प्राणायाम कोई भी एक्सरसाइज हो वो अगर करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हमें मिलता है। तो एवरीडे योगा जरूर कीजिएगा। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, दिन में एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर वाटर पीजिए। अगर आप पानी ज्यादा से ज्यादा पियेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही क्लियर रहेगा, स्किन पे पिंपल एक्ने तो दूर की बात है, अगर स्पॉट्स है ना तो वो भी गायब हो जाएगा। तो एंटी एजिंग कौन सी बड़ी बात है। एंटी एजिंग का मतलब मैं यहीं पे यही समझाना चाहती हूँ कि स्किन टाइटनिंग। तो जब आपका स्किन बहुत हाइड्रेट रहेगा, स्किन पे जो सफिशियंट वाटर, स्किन को जो सफिशियंट वाटर चाहिए वो जब इसे मिलेगा तब आपका स्किन जो है बहुत ही क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखेगा और आपका स्किन भी काफी टाइट होगा। तो जब टाइट रहेगा आपका स्किन टिश्यूज तो आपका जो एंटी एजिंग का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए और स्पेशली समर में तो बहुत जरूरत है। नॉट ओनली स्किन, आपके हेल्थ के लिए भी पानी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आइस वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है स्किन को टाइटन करने के लिए। मतलब आपका जो रियल एज है उससे आपकी स्किन को 10 इयर्स पीछे ले जाएगा। जी हाँ, एवरीडे एक बड़े से बोल में आप थोड़ा बहुत पानी ले लीजिए और उसके अंदर कुछ आइस क्यूब्स आप डाल दीजिए। बाद पूरा पानी जब ठंडा हो जाएगा, चिल हो जाएगा, उसमें अपने फेस को डुबो के रखना। मतलब जितना टाइम तक आप रह सकेंगे, आप बर्दाश्त कर सकेंगे उतने टाइम तक आप इसे रखना, कुछ सेकेंड्स तक। तो उसके बाद एवरीडे अगर ऐसे करते रहेंगे ना तो ये स्किन टिश्यूज के लिए बहुत अच्छा होता है और ये एक बहुत अच्छा रेमेडी है स्किन टाइटनिंग के लिए। तो गाइस प्लीज इस रेमेडी को तो बिल्कुल मत भूलना। और ये रेमेडी आप दिन में कहीं मतलब कभी भी यूज कर सकते हैं, इसका कोई टाइम बर्डन नहीं है। पर मैं नॉर्मली इसे यूज करती हूँ दोपहर के टाइम में, क्योंकि वो थोड़ा सा आराम मिलता है मुझे इसलिए। तो ये आप मॉर्निंग में, इवनिंग में या दोपहर में कभी भी इसे आप कर सकते हैं। वैसे तो हम बहुत सारे क्रीम्स, बहुत सारे जेल, सीरम यूज करते रहते हैं, पर गाइस मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता स्किन के लिए। तो मॉइस्चराइजर हमेशा यूज करना, एवरीडे 2 to 3 टाइम्स मॉइस्चराइजर यूज करना। और दिन के टाइम में अगर आप घर में भी रहते हैं तब भी आपको सनस्क्रीन एक यूज जरूर करना चाहिए। सनस्क्रीन होना चाहिए एटलीस्ट SPF 30 और यूज करने के 30 मिनट्स बाद ही आप बाहर जाना। दिन के टाइम में जब धूप हमारे घर में घुस सकता है तो ऑटोमेटिकली ना तो वही सन रे भी हमारे स्किन पे जा सकता है। तो अगर लॉन्ग टाइम तक आपको यंग दिखना है, आपका स्किन को प्रोटेक्ट करना है, तो घर में भी आप सनस्क्रीन जरूर यूज करना एटलीस्ट 2 टाइम। यानी कि मॉर्निंग में जब आप फेस क्लीन करेंगे तो उसके टाइम में मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन यूज कीजिए। उसके बाद जब आप नहा के आएंगे तो मतलब शावर लेने के बाद, अपने फेस क्लीन करने के बाद एक बार मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन जरूर यूज करना। तो दिन में 2 बार मस्ट। वीक में एटलीस्ट 1 बार मुल्तानी मिट्टी फेस पैक अपने स्किन पे यूज करना। फेस पे मुल्तानी मिट्टी फेस पैक का जो रिजल्ट है, जो उसका गुण है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी फेस पैक ऐसा चीज, ऐसा बेनिफिट आपको दे सकते। मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स है मुल्तानी मिट्टी के, आपके स्किन को टाइटन करने में हेल्प करेगा, सन टैन से आपके स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी स्किन पे अगर कोई भी दाग धब्बे है, कोई भी स्पॉट्स, चाहे व्हाइट स्पॉट्स हो या तो ब्राउन स्पॉट्स हो, हर एक चीज आपके स्किन से रिमूव करने में हेल्प करेगा। एंड मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को ब्राइटन एंड वाइटन करने के लिए बहुत बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट है। अगर आप चाहे तो कोई भी फेस पैक यूज कर सकते हैं, जो फेस पैक एक्चुअली स्किन पे अप्लाई करने के बाद वो जब ड्राई होता है तो स्किन को बिल्कुल टाइट बना देते हैं और उसके बाद हम मतलब स्माइल भी नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते। उस टाइप के कोई फेस मास्क हमेशा यूज करना, अदरवाइज ऐसा कोई भी मट स्किन मास्क जो होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट्स देगा। प्रॉपर स्लीप एंड टेंशन फ्री लाइफ, ये 2 चीज बहुत ज्यादा काम करते हैं हमारे लाइफ में, पर हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि इतने सारे रेमेडीज तो हम कर ही रहे हैं, तो ये अगर संसार में हम हैं तो छोटे मोटे टेंशन तो लगा ही रहेगा। जी हाँ, टेंशन तो छोटे मोटे लगा रहेगा, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि टेंशन आपके लेने से कोई प्रॉब्लम का हल नहीं निकलेगा। अगर आप उस टेंशन को छोड़ के उसको किस तरह से उसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो उसका कोई हल निकल सकता है। इस तरह से टेंशन ज्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि वो आपके फेस पे दिखेगा। और अगर प्रॉपर स्लीप, आपको टेंशन की वजह से अगर आपको प्रॉपर स्लीप नहीं आते तो डार्क सर्कल के रूप में आपके सामने आएगा। तो इस तरह से प्रॉपर स्लीप एंड पॉजिटिव रहना, ये 2 चीज एंटी एजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज ऐसा है ना कि आप दुनिया के मतलब सभी रेमेडीज आप यूज कर लीजिए एंटी एजिंग के लिए, पर ये 2 चीज अगर आपके साथ रहेगा तो आपको एजेड होने में कोई नहीं रोक सकता। आप ऑटोमेटिकली कम उम्र में भी आप में बुढ़ापा आ जाएगा। तो इसलिए ये 2 चीजों से दूर रहना। मुझे पता है कि टेंशन से कोई इंसान दूर नहीं रह सकता, हर किसी को टेंशन होता है, पर एक लिमिट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, बहुत सारे लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो से थोड़ा बहुत फायदा मिले। और अगर रेगुलरली आप मेरे चैनल में कोई इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल पर, एवरीडे फॉलो करते रहना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।